अपना नाम बताइए। संजय कुमार संजय यादव, ग्राम बामी, मछली शहर बनवा से पश्चिम में 5 किलोमीटर दूर है, बामी गांव है। क्या मामला था सर? मामला ये था, मेरे भाई हैं छोटे ज्ञानचंद्र, और इनका इनसे भी एक छोटा भाई था सुभाष यादव, 26 वर्ष की एज है। 15 तारीख को जिस दिन वोटिंग हुई, रात को मैटर मतलब उनको सांस में तकलीफ हुआ, हम लोग यहाँ लेके आए। यहाँ लाने के बाद चेक किया गया कि हम पहले ही बोला गया हम लोग को मतलब टेस्ट कराना पड़ेगा, उसमें हम मतलब रिपोर्ट नेगेटिव आई कि आप मतलब कुछ है ही नहीं इनको, तो रिपोर्ट नेगेटिव आई। उसके बाद हम लोग एडमिट रखे थे। दूसरे दिन फिर जब सांस फूलने लगा, सांस फूलने की वजह से मतलब बोला गया कि हाँ ऑक्सीजन दो। यहाँ पे सीधा साफ शब्दों में मना कर किया जा रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन का बाटला है ही नहीं, सब खत्म हो चुका है। इमरजेंसी वार्ड में जो मतलब डॉक्टर बैठते हैं उन्होंने बोले, और 33 डॉक्टर यहाँ पॉजिटिव पाए गए हैं, पूरा स्टाफ और डॉक्टर मिला के वो आ नहीं रहे हैं। तो हम लोग ठीक है बोले, कोई बात नहीं, यहीं पे रखे थे, अपने तरफ से बाटले की व्यवस्था की है, अपने तरफ से हर चीज़ दवा ट्रीटमेंट दूसरे पेशेंट से मांगे, वो भी एजेड महिला थी, उनको मतलब ऑक्सीजन खाली पड़ा था, हम लोग रिक्वेस्ट किए, उन्होंने दिए। अगर हम लोग उस टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिलता तो उसी वक्त उनको मतलब डेथ हो जाती, लेकिन आज 9:30 बजे डेथ हो गई। परसों के दिन 24 घंटे ऑक्सीजन नहीं था, और हमारे साथ कई पेशेंट ऐसे हैं कि वो सामने से बता सकते हैं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। अभी शिकायत किससे की हो? अभी एडीएम सर आए थे, उनकी गाड़ी आई थी, डीएम सर थे, सॉरी। तो डीएम सर से बात हुआ, वो बोले ठीक है मैं बात आगे बढ़ाऊंगा, हर चीज़ व्यवस्था सही कर दूंगा, बात करूंगा। और सर अंदर एंट्री करोगे तो एक बोर्ड पे शिकायत बोर्ड पे एक नंबर लिखा हुआ है, उस पे हम लोग मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो सामने से बोला जा रहा है कि ये 4 साल पहले का नंबर है। अब बताइए 4 साल पहले का नंबर है तो उसे आज तक हटा नहीं सकते हो। इस वक्त जो भी है मेन उनकी बात लीजिए, उनका तो नंबर। कैसे डेथ हुई सर? सांस में तकलीफ हो रही थी, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से डेथ हुआ। और अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो काफ़ी डेथ रुक जाएगी, इतना डेथ की जो संख्या है वो कम हो जाएगी सिर्फ ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए। सर